उंगलियां चाट चाट कर ठूस ठूस कर भजिया खाते कोकला मोदी का ये रूप शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखेंगे भी तो कैसे, आखिर कोकिला मोदी की ऐसी हालत पहले कभी हुई भी तो नहीं थी। गोपी बहू और पूरे परिवार से लड़कर ताने सुनकर कृष्ण भक्ति करने कोकिला मोदी जब मोदी हाउस से बाहर निकली तो भूख ने उनके होश ठिकाने लगा दिए। कुछ नहीं मिला तो भजिया पर ही टूट पड़ी कोकिला। चल चल निकाल, जल्दी हो गया, पेट में चूहे दौड़ रहे, निकाल। और लहसुन की चटनी चल दे, ज्यादा देना। और आलम ऐसा कि भिखारन ने खाना मांग लिया तो फिर उस भिखारन की तो शामत ही आ गई, चप्पल से हुई है उस भिखारन की पिटाई। चप्पल की मार खा। और उसके बाद कोकिला मोदी का जो हाल हुआ वो भी देख लीजिए। भिखारन के धक्के से सीधे पहुंच गई है वो तालाब में। दिलचस्प है कि इस सीन को फिल्माने के लिए नकली कोकिला मोदी के भी डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया गया था। वहीं नकली कोकिला बस बाल्टी से अपने सर पे पानी डालकर खुद को गीला कर रही। खैर, जेम्स बॉन्ड जासूस बनी गोपी ने यहां भी नकली कोकिला मोदी का साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन कोकिला मोदी अब गोपी से हाथ जोड़कर बख्श देने के लिए कह रही है, मुझे बख्श दो, मुझे कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो जाने दो। कोकिला मोदी कभी ऐसी थी नहीं, बहुत ही सभ्य, बहुत ही शिष्टाचार में मानने वाली एक व्यक्ति थी, पर परिस्थितियों ने उसे इस तरह से आक्रामक बना दिया है कि वो अब किसी की भी गलती या गलत व्यवहार बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं ये रोष का ज्वालामुखी उमट पड़ा है। पर इतना अवश्य कहूंगी कि कोकिला हमेशा न्याय संगत रही है, सही और सच का साथ दिया है, तो इस बार भी सत्य की विजय होगी। साथिया में ड्रामा का दूसरा पहलू है गौरा हाउस में, काफी गर्मा गर्म, बिल्कुल रेड हॉट आयरन की तरह। गौरा धर्म के दिल से ही नहीं बल्कि उसके जिस्म से भी मीरा का नाम मिटा देना चाहती है। साजिश है एक धर्म को जलाने की। लेकिन धर्म की प्रेम दीवानी दुर्गा ने उसे बचा लिया है। फिर गौरा ने वही किया है जो वो करना जानती है। अभी मेरे से धर्म जल जाना तो? ये तूने जानबूझ के किया ना? जानबूझ के किया ना? तू बदला लेना चाहती थी ना मेरे बेटे से? मेरी सासू माँ है, मैं क्या बताऊँ इस बारे में। मेरे पति के ऊपर कुछ भी होगा मैं तो होने नहीं दूंगी, मैं तो जी जान से अपने पति की का ख्याल रखूंगी। दुर्गा ने तो अपनी दुर्गति सह ली है, लेकिन विद्या अपनी सासू माँ का ये अपमान देख कर चुप नहीं रहने वाली। आप अपनी मर्यादा में रहें, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी बाजी। वैसे इतना शौक नहीं लगा है, बिकॉज बीच में भी वो बोलने लगी थी बहुत, लेकिन उसकी बोलती बंद कर दी थी। अब वापस उसमें थोड़ा जोश आ गया है, तो अभी मुझे लगता है गौरा को थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा कि अभी ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कुल मिलाकर सीरियल साथिया में ड्रामा की कमान नकली कोकिला और गौरा ने संभाल रखी है, और गोपी बहू को बस इंतजार है उस मौके का जब वो नकली कोकिला के चेहरे को बेनकाब कर सके। और हम आपको बता दें कि जल्द ही ऐसा होने वाला है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।